नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी संस्था की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की। इसरो का सफर केवल रॉकेट और उपग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी है। चलिए इसरो के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इसरो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसरो की शुरुआत कैसे हुई? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। इसरो का गठन 1969 में किया गया था, लेकिन इसकी कहानी उससे पहले शुरू होती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना था। अर्ली मिशन प्रेपरेशंस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएसआरओ का पहला रॉकेट कैसे लॉन्च हुआ था। आईएसआरओ के शुरुआती दिनों में सुविधाएं बेहद सीमित थीं। 1963 में भारत का पहला रॉकेट थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TRLS से छोड़ा गया। इस रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो ने कितनी साधारण सुविधाओं के साथ शुरुआत की थी। आर्यभट्टा, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा कदम था। इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था और यह इसरो की पहली बड़ी उपलब्धि बनी। SLV एंड ASLV सक्सेस। अब बात करते हैं इसरो की रॉकेट तकनीक की। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISRO का पहला स्वदेशी रॉकेट था, जिसे 1980 में रोहिणी सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया। इससे भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। इसके बाद ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित किया गया, जिससे बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली। PSLV अ गेम चेंजर। क्या आप जानते हैं कि इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी PSLV से जुड़ी है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का सबसे सफल रॉकेट है। यह रॉकेट 1993 में पहली बार लॉन्च हुआ और इसके बाद से यह लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा। इसी PSLV से इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान 1 जैसे मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान एंड मंगलयान, इंडियाज हिस्टोरिकल मिशंस। चंद्रयान विंग 2008 आईएसआरओ का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की। यह भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो 2013 में यह भारत का पहला मंगल मिशन था और यह पहली कोशिश में सफल हुआ। इससे भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने अपनी पहली कोशिश में मंगल तक पहुंच बनाई, और वह भी बेहद कम बजट में। गगनयान इंडियाज ह्यूमन स्पेस मिशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान की। यह मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आईएसआरओ इस मिशन के लिए 2024 तक तैयार होने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स। 2017 में इसरो ने एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अद्भुत उपलब्धि ने इसरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाई। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड फ्यूचर प्लान्स। इसरो आज नासा, ESA और जाक्सा जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। भविष्य में इसरो के पास चंद्रयान 3, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन और शुक्रायण शुक्र ग्रह मिशन जैसे महत्वाकांक्षी मिशन है। कंक्लूजन। दोस्तों, इसरो की कहानी केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह उस आत्मविश्वास और जज्बे की कहानी है जिसने भारत को विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में सबसे आगे खड़ा किया। इसरो ने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो और सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आपको इसरो का कौन सा मिशन सबसे प्रेरणादायक लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।